नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के दमोरिया पुल पर एक बाइक सवार व्यक्ति से लुटेरे 5,64,000 की नकदी लूट हुए फरार। संगरूर पुलिस ने मोबाइल फोन पर अपने आप को विदेश में बैठा रिश्तेदार बताकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। 8 मोबाइल फोन किए बरामद। 21 बैंक अकाउंट्स का किया पर्दाफाश। लुधियाना पुलिस ने चोरी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। 1 रिवॉल्वर और बलैरो गाड़ी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर में चोरी और लूटपाट की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसी ही एक घटना जालंधर के दमोरिया पुल पर सामने आई है, जहां दमोरिया पुल पर राकेश कुमार नामक एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लुटेरे 5,64,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, उक्त लुटेरे जाते समय उसकी एक्टिवा भी अपने साथ ले गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनी अरोड़ा ने बताया कि वह एक मिल मालिक है और वह रूटीन में राकेश कुमार नामक व्यक्ति को पेमेंट देकर बैंक में भेजता है। सुबह उसने राकेश कुमार को 5,64,000 रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए और थोड़ी देर बाद ही राकेश कुमार का फोन आया कि दमोरिया पुल के ऊपर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर उससे यह पैसे लूट लिए हैं और साथ ही उसकी एक्टिवा भी ले गए हैं, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे SHO कमलजीत सिंह ने बताया कि घटना के बाद इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को चेक किया जा रहा है ताकि सारी घटना की सही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गुआढ़ी पेमेंट लेके जा रहे 5,64,000 रुपया बैंक जमा कराना अपने खाते के मैदे की पेमेंट होंगी है तो वह जो पेमेंट लै गया उस तो 10 मिनट बाद फोन आ गया दमोरिया पुल पर खो गई तो उस खोह कहता मेरा मोबाइल भी लै गए तो मेरी एक्टिवा भी लै गए तो पैसे भी लै गए। वो कहता मैं दमोरिया पुल के उपर आया तो मेरे पिछों की मोटरसाइकिल आया उन्हें अगे लाता तो मेरे तो गन लाती इतने लगते तो कहता मेरे को खो गए लगे पैसे भी लै गए तो एक्टिवा भी लै गए तो फोन भी लै गए। भाई मैदे की पेमेंट जमा करा जाता अगे भी जाता हूँ महीने 15 दिन कमीशन आई कंट्रोल रूम तो कि दमोरिया पुल के उपर जोड़ा पुल है जिदा कि दोनों पासे जोड़ा आयरन दे व्यू कटर लगे हुए है उत्थे किसी मुंडे तो जोड़ा जिदा नाम राकेश कुमार हैगा वो धनमल दे रहन वाला वो किसी व्यक्ति कोलों जोड़ा हैगा 4,64,000 रुपया लैके आ रहा है जोड़ा कि उन्हें सेंट्रल बैंक से जमा करवाना सीगा। वो कहिंदा कि जो मैं एक्टिवा ते आ रहा सी अपनी ग्रे रंग दी ते पिछे 2 मोटरसाइकिल ते बंदे आए ते उन्होंने जेडे मेरे कोलों 4,64,000 रुपया वो खोया है जिस संबंधी असी कंप्लेंट कर लिख भी रहे हैं तो यदि दरियाफ्त भी कर रहे हैं। साड़ी जिहड़ियां सीनियर अफसर ने जिहड़ियां टीम्स बनाईयां CCTV फुटेज क्योंकि जिस रूट तो ये चल के आया उस रूट पर असी जिहड़ी है ट्रेलिंग शुरू कर दी है तो उस तो बाद असी जिहड़ा छानबीन करके जिहड़ी है वो कार्रवाई अमल च लिया। कैश तो इलावा उन्हां दा कहना है कि मेरे को एक्टिवा सीगी जिहदा नंबर PB08EY 5871 हैगा 5571 वो भी साढ़े को चली गई है। SHO कह रहे कि सानू SHO कोई इदा की नज़र मैनू आया कि पहले मैंने इदा लाता बखी दे नाल फिर वो मेरा जिहड़ा वो फोन खोलिया उन्होंने। लुधियाना के जसपाल बांगड़ एरिया में नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री में चोरी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपी बीती 26 सितंबर को फैक्ट्री में चोरी करने के लिए गए थे। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने जब लुटेरों को रोकने का प्रयास किया तो उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में परमजीत निवासी गांव जिला बंदायू, उत्तर प्रदेश हॉल निवासी गांव धरोड़ और जितेंद्र कुमार निवासी गांव निमानी जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश हॉल निवासी गांव धरोड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के दौरान इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी और रिवॉल्वर बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा ने बताया है कि यह दोनों अलग अलग गाड़ियां लोन पर लेकर माल ढोने का काम करते थे और लोन का पैसा ना चुका पाने के कारण चोरी की वारदात को अंजाम देने निकले थे। दोनों के खिलाफ इससे पहले अभी तक कोई भी आपराधिक मामला सामने नहीं आया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस यह भी पता लगाने में लगी हुई है कि इनके पास कानपुर की फैक्ट्री में निर्मित रिवॉल्वर कैसे आया, जिससे इस मामले से जुड़ी गुत्थी को हल करने में मदद मिलेगी। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। एक संगीन जुर्म 273 नंबर मुकदमा आर्म्स एक्ट और मर्डर विद बर्गलरी का दर्ज होया सी पुलिस स्टेशन सानेवाल के इलाके में। जसपाल बांगर के ग्लोब एंटरप्राइजेज ना की एक फैक्ट्री सी, जिहड़े विच भवानी भीखम ना का बंदा जिहड़ा है वह नौकरी करता सी पिछले 2 सालों तो, और बतौर चौकीदार भी रहिंदा सी। उस वलों रात 4 बजे एक आहट सुनी, जदों बाहर गया उन्हें जा करके देखा कि जिहड़े कुछ चोर बोरियां लोड कर रहे पिकअप के विच, उन्हें उत्थे रजिस्ट किया। उहदे कोल एक लाठी सी, उन्हें जा करके उत्थे उन्हां नूं चैलेंज किया। उसते इन्हां जिहड़े बाहर जो बदमाश आए हुए सी जो चोरी करन आए सी उन्हां वल्लों अपने हथियार नाल फायर किया गया। फायर करन नाल वो इंजर्ड होकर के गिर गया। जिहड़ा ओनर है उहदा भतीजा जसप्रीत सिंह भी उत्थे ही अरैसट कर रहा सी, रात वेले रहिंदा सी। वह फिर बाद दे विच उहदे कोल एक अपनी किरपाण सी वह लै करके बाहर निकलिया और उन्हां कोल गया। उसने आ करके उत्थे उन्हां नाल हथोपाई की, चैलेंज किया। तो उस दौरान ही जिहड़ा है जदों इन्होंने अपनी पिकअप पजाई तो उन्होंने भी कुछ सट्टां लगियां सी, क्योंकि वह खड़ीसता गया सी थोड़ी सी। 2 शख्स जिहड़े हैं, एक परमजीत सिंह ते दूसरा जिहड़ा जतिंदर कुमार छोटू, इन्हां दोनों नूं असी आइडेंटिफाई करके अरैसट किया है। और एक पिकअप जिहड़ी है जो परमजीत सिंह दे नाते है उहनूं असी रिकवर किया है। एक रिवॉल्वर जिहड़ा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बनया होया वो रिकवर होया है, जो .32 बोर का है। एक लोहे की रॉड और एक सब्बल जिहड़े नाल इन्हां ने पाड़ लाई सी और समेत किरपाण, ये सारी चीज़ां इन्हां कोल रिकवर हुई हैं। और इस दी इन्हां दी पुछगिछ तो ये पता चलता है कि ये तरौड़ पिंड दे विच रहण वाले हैं ते अलग अड जिहड़े ने जो ट्रांसपोर्ट है उन्हां दे विच जा करके ये पिकअप्स दे विच ढोआ ढुआई का काम करते रहे सी। संगरूर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब मोबाइल फोन पर अपने आप को विदेश में बैठा रिश्तेदार बताकर ठगी करने वाले एक अंतर राज्य गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि यह गिरोह व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों को उनका रिश्तेदार बताकर उनके बैंक अकाउंट ले लेता था और धोखे से अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा लेता था। उन्होंने बताया कि यह गिरोह बिहार का रहने वाला है, जिनके 2 सदस्यों को संगरूर पुलिस ने लखनऊ से काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और इनके बैंक अकाउंट में से 2,99,469 रुपये फ्रीज करवा दिए हैं। वहीं पुलिस ने इनके 21 बैंक अकाउंटों का पर्दाफाश किया है, जिसमें यह पैसे जमा करवाते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। संगरूर दे विच असी बहुत सारे अजकल जिहड़े जिवें कह दो भी साइबर दीआं शिकायतां, भी साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी दीआं जिहड़ियां शिकायतां आउंदियां सी, ते असी एक साइबर सैल दा गठन कीता सी जिहड़ा DSPD दे अंदर 2 विंग बनाए सी। ते उहदे विच सानूं हुण एक साडे कोल मई दे विच कंप्लेंट आई हुई सी ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6,75,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਲਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 21 ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 3,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾ 115वां जन्म दिवस बड़े ही उत्साह के साथ सारागढ़ी से एक विशाल रैली निकालकर मनाया गया, जिसमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी, फिरोजपुर शहरी के विधायक रणवीर सिंह भुल्लर, देहात के विधायक रजनीश दहिया और जीरा से विधायक नरेश कटारिया के साथ फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर अमृत सिंह और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस रैली को कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर अमृत सिंह ने बसंती रंग की पगड़ी पहनकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह का सपना जैसा देश बनाने का था, उनका सपना हम सब पूरा करेंगे। हम अपने देश के शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बसंती रंग की पगड़ी पहने हुए लोग दिखाई दिए। यह रैली सारागढ़ी से लेकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल हुसैनीवाला बॉर्डर तक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज बहुत शुभ मौका है और ये साडा गुड फॉर्चून है कि असी लैंड ऑफ मार्टर्स जिन्हों कहने हैं शहीदों की धरती के विच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सानू ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप शहीद आजम भगत सिंह जी का बर्थडे इस तरीके दे नाल मना सकिए। तो जिन्हें तुम देख सकते हो सारी क्राउड आई है, वो सारिया ने भगत सिंह जी की पग बंधी हुई है, जिस तरीके दे नाल उन्हां दी बंधी हुई सी, तो उन्हां भी एक तरीके दे नाल यही सोच चुकी है कि जिस तरीके दे नाल जज्बा शहीद आजम का सीगा, उसी तरह का जज्बा इन्हां सारिया दे विच है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को अमृतसर की अदालत में पेश किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी अमृतसर हरजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते थाना सिविल लाइन की पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया को एक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में अदालत में पेश किया है। पुलिस द्वारा डॉक्टर से मिली शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि जग्गू ने अपने कारिंदों के माध्यम से डॉक्टर अशोक महाजन से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। उन्होंने बताया कि इस केस में लगभग 10 दिन का रिमांड हासिल करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ तरन तारण जिले की पुलिस भी जग्गू भगवानपुरिया का प्रोडक्शन वारंट लेने पहुंची हुई है, लेकिन तरन तारण पुलिस को जग्गू भगवानपुरिया का प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस ने भी पत्रकारों से इस मामले संबंधी कोई खुलकर बातचीत नहीं की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਤਰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਮੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਪਰ ਫੂਲ ਮਾਲਾਏ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀ ਗਈ। इस मौके पर सांसद चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि शहीद भगत सिंह जी का 115वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसकी उन्होंने पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए शहीद भगत सिंह का संघर्ष और शहादत हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा पीढ़ी को इस महान शहीद से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी। इस मौके पर पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि आज के दिन हर हिंदुस्तानी शहीद की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारे नौजवानों के दिलों की धड़कन शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए वे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस दिन को मना रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज शहीद भगत सिंह जी का 115वां जन्मदिन है। पूरे भारत दे विच जिथे उन्हां दी आइडियोलॉजी नूं प्यार करन वाले जिहड़े लोग है वह मना रहे, और खास करके पंजाब दे विच उन्हां दी जिहड़ी इह जिहड़ी जन्मदिन है और उन्हां दा शहादत दिवस है, ये बड़ा विशेष है। और हर पंजाबी है जिहड़ा उन्हां दे मन दे विच शहीद भगत सिंह जी दे जीवनी दे उत्ते जिहड़ियां उन्होंने कुरबानियां दित्तियां, अपने जीवन की कुरबानी दित्ती और अपनी हर एक चीज़ है जिहड़ी उन्होंने देश दे उत्ते जिहड़ी कुरबान कीती है, और उन्होंने याद करन दे लई अज सारे उन्होंने जिहड़े स्थान है उत्थे इकट्ठे होए, और मैं अपने वालों अपने साथियों वालों उन्होंने चरणों के श्रद्धा के फुल भेट करता। शहीद आजम भगत सिंह जी का 115वां जन जिहड़ा दिहाड़ा है, बर्थ एनिवर्सरी है, और उहदे वास्ते असीं उहनां नूं इत्थे प्रणाम करन आए हैं, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी ने आज़ादी की जिहड़ी लहर सी, आज़ादी की जिहड़ी लड़ाई, उस विच बहुत वड्डा योगदान उन्होंने पाया, और मैं समझदा कि सरदार भगत सिंह जी ने अपना जिहड़ा शहादत उन्होंने और उस तो पहला जिहड़ा उन्होंने संघर्ष है उस दे नाल देश दे
लखा करोड़ा जोड़े नौजवान है वो आज़ादी की लहर प्रेरित होए और उस आज़ादी की लहर शामिल होए। एक तरफ राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं ताकि गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, लेकिन अगर बात की जाए अस्पताल में तैनात स्टाफ की तो इलाज के नाम पर अस्पताल स्टाफ लोगों को दुत्कारता ही नजर आ रहा है। और ऐसा ही कुछ जिला पठानकोट के सिविल अस्पताल में देखने को मिला, जहां जब एक पीड़ित गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए पहुंची तो लेबर रूम में तैनात स्टाफ द्वारा महिला की डिलीवरी करने की बजाय उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित महिला ने लेबर रूम के कॉरिडोर में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और अगर बात अधिकारियों की जाए तो वे अपने स्टाफ को बचाते हुए नजर आए। ये घटना गत रात्रि की है, जहां डॉक्टर का पहला फर्ज होता है कि अगर कोई मरीज उनके पास पहुंचता है तो उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाए, लेकिन पठानकोट सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीज की हालत खराब होने के बावजूद उसे रेफर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस पीड़ित महिला के साथ भी हुआ। वहीं अस्पताल का प्रशासन अपने स्टाफ को बचाते हुए सफाई दे रहा था कि महिला को रेफर कर दिया गया था। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। गड्डी आई हॉस्पिटल तो 108 नंबर, बाद चो अं हॉस्पिटल गए, कोई केयर नहीं की उन्होंने, बच्चा बाहर हो गया। बहुत कहते नहीं है ये करो वो करो, इन्ने कागज लियाओ साढ़े को नहीं है। अंबरसर उन्हें रैफर करता ही, पर्ची मेरे को पेरी है। मैं उन्होंने कहता भी मैं गरीब बंदा मैं नहीं जा सकता। एंबुलेंस वाले उन्होंने भी मुड़े ने कहा भी नॉर्मल केस है, बच्चा इतने हो जाना ही तो तुम अंदर लै जाओ। वह नहीं लैके गए, उसके बाद चो बच्चा उत्थे हो गया। बच्चा बाहर होया हॉस्पिटल के जिथे दुनिया बैठती है। दो बजे का स्टाफ कोई सुनता ही नहीं जी, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी। एक कुड़ी ही एक मुड़ा ही, वो मुड़ा कहता नहीं तो मैं पुलिस को बुला के अंदर करा देना। मैं यो कहना भाई जोड़ा भी कोई गरीब बंदा आता जाता है उसकी हॉस्पिटल मदद होनी चाहिए है। जे गरीब के लिए हॉस्पिटल नहीं तो फिर कितने जाना। बीती रात को सिविल हॉस्पिटल पठानकोट विखे एक प्रवासी मजदूर की पत्नी जी हैगी है, प्रैगनेंट आई हैगी है, जिड़ी कि फिफ्थ ग्रेविडा सी, यानी कि पंजवीं बार वो प्रैगनेंट हुई सी। जिस वेले हॉस्पिटल आई हैगी है तो उदा उस वेले कोई भी टेस्ट या किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड नहीं हुई हुई सी। उन्होंने असी कहा कि जैसी एक बार लैब नाल साडा करार हैगा है जिहदे विच तेरे फ्री टेस्ट हो जाएंगे तो उत्थों जाके टेस्ट करवाया, तो पर उन्हें टेस्ट कराने तो मना कर दिता है। असी उन्होंने कहा कि अपने जो भी इलाज का तेरी जिम्मेवारी होएगी, क्योंकि कोई भी टेस्ट तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होया तो असी तेरा इलाज स्टार्ट कर दें, पर सानू कंसेंट दे दे अपने इलाज कराने का, पर उन्हें कंसेंट देने तो भी मना कर दिता। तो करीब 12:30 बजे दोए जे हसबेंड वाइफ है हॉस्पिटल तो बाहर जान लगे, तो रस्ते जोड़ा साडा कोरीडोर हैगा MCH का, उत्थे ही उसकी डिलीवरी हो गई। साडे स्टाफ ने बड़ी तुरंत जोड़ा है एक्टिविटी दिखाते हुए दोनों जच्चा बच्चा अंदर पाया, तो जो भी उसका इलाज हैगा वो किया। तो जो उन्होंने सवेरे देखा कि हूँ तो बच्चा भी ठीक हैगा, तो जच्चा बच्चा दोवें ठीक है, तो चुपचाप हॉस्पिटल छड़ के निकल गए। जंडियाला गुरु से तरन तारण रोड पर स्थित गांव जानिया में काफ़ी लंबे समय से छप्पड़ के पानी की निकासी ना होने के कारण और बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, जिसके कारण रोज़ाना ही यहां कई दुर्घटनाएं होती हैं और इस गंदे पानी से कई भयानक बीमारियां भी फैल रही हैं। वहीं इस संबंध में चैनलों और अखबारों में भी कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई थी और प्रशासन की ओर से इस सड़क की मुरम्मत भी करवा दी जाती थी। तो वहीं इस सड़क पर एक गुरुद्वारा भी है जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं, उन्हें भी इस छप्पड़ के पानी में से गुजरना पड़ता है। वहीं यह गंदा पानी लोगों के घरों में भी चला जाता है। सड़क पर पड़े खड्डों के कारण कई वाहनों को भी इससे भारी नुकसान पहुँच रहा है और इससे गांव जानिया के निवासियों और राहगीरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जानिया गांव के निवासियों की ओर से इंटरलॉक टाइलों द्वारा बनाई गई सड़क के कुछ भाग को तोड़ दिया गया और रास्ता बंद कर अनिश्चित काल के लिए पक्का धरना सड़क पर ही लगा दिया गया है। यह सड़क का मामला 15-20 वर्ष पुराना है और इस मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक हल नहीं कर पाई। वहीं गाँव वासियों का कहना है कि चुनावों के समय सभी पार्टियां भरोसा देती हैं कि सरकार बनने पर इस सड़क का मुद्दा हल किया जाएगा, क्योंकि यह सड़क बड़े बड़े शहरों को जाकर लगती है,
तो वहीं गांव बंडाला निवासी और गांव जानिया के निवासियों की आपस में जिला प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में पानी के निकास संबंधी बातचीत भी करवाई गई है। बंडाला निवासियों की ओर से अपने गांव के छप्पड़ में पानी डालने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है। वहीं गाँव वासियों ने लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और प्रशासन से मांग की है कि छप्पड़ के पानी का निकास किया जाए, नहीं तो यह धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं जब इस संबंध में प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि यह मामला जल्द ही हल किया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। इस छप्पड़ जो सारी इस कलोनी जी इस कलोनी का घर का पानी छप्पड़ इकट्ठा होंगे तो जदों भी बारिश आती है वो बारिश दौरान ये छप्पड़ भर जाता है तो सारा पानी सड़क के उत्तों की वगन लग जाता है तो जो सड़क भी पानी नहीं चलती छप्पड़ नहीं चलता तो इस कलोनी के घर के जड़ा वो पानी दाखिल हो जाता। गुरुद्वारा साहब बिल्कुल सड़क के कंडे आ ज़्यादा परसों मीह वरिया तो गंदा मलीन दूषित पानी अत दूषित पानी जो गुरुद्वारा साहब के भी जरा दाखिल हो गया। अज असी धरना लाया कोई नहीं आया है मतलब असी इन्ने मुश्किल दे विच जीने साडे बच्चे भी कोई पार्टी का बंदा कोई नहीं इत्थे आया मतलब असी इन्नी नरक की जिंदगी जीन डे आ ना बहुत ज्यादा नरक की जिंदगी नुकसान होंदे एक्सीडेंट वगैरह होंदे आ वो किन्नी जिहड़े मतलब राही आ उन्होंने अनजान राही आ उन्होंने बहुत नुकसान होंदे किसी की लत टुट जाती किसी की बांह टुट जाती। देश भर में शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्मदिवस मनाया गया। वहीं अमृतसर में भी बिजली मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और शहीद भगत सिंह की सोच को अपनाना ही हमारा पहला फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि बेशक पंजाब में नशा बहुत अधिक बढ़ चुका है लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से आप पार्टी का पहला उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इसी के लिए पिछले 6 महीनों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार कार्य कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े महान नायक सरदार भगत सिंह जी जिन्हों का जन्म 28 सितंबर 1907 हुआ सी उन्हों का अज असी 115वां जन्म दिहाड़ा जड़ा वो मना रहे हैं। उन्हों का ये जो सुपने सके जिन्हों करके उन्होंने देश को आज़ाद करवाने वास्ते कुरबानियां दित्तियां महान शहीदा ने उन्हों के सुपन का भारत सिरजना अज साडी जिम्मेवारी बनती है। जो उन्होंने सोचा सीगा एक समानता वाला समाज एक लोकतंत्रिक देश एक आर्थिक आज़ादी अज साडा मुढ़ला फर्ज आ कि असी उन्हें पाए हुए पूर्णियां ते दर्शाए हुए रस्तियां ते चलते हुए उन्हां दी जो महान फिलोसफी सीगी उन्हूं लागू करिए। अमृतसर में शहीद भगत सिंह वेलफेयर क्लब की ओर से शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर खूनदान कैंप लगाया गया। इस मौके पर शहीद की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर क्लब के सदस्यों की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर क्लब के चेयरमैन गुरिंदर सिंह ऋषि ने कहा कि यह खूनदान कैंप एक अलग किस्म का कैंप है जिसमें रक्तदानी जो भी खूनदान करता है उसका आधा खून वे अपने लिए जरूरत पड़ने पर अपने लिए रिजर्व रख सकता है जो जरूरत पड़ने पर उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार खूनदान करने वाले को जब खून की जरूरत पड़ती है तो उसे खून नहीं मिलता जिस कारण वह बहुत परेशान होता है लेकिन अब इस तरह खूनदान करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक रक्तदान करें क्योंकि यह ही शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मिले वतन पे मिटने वालों का बस यही निशान होगा। सब तो पहला तुहाडे चैनल के माध्यम के राही मैं पूरे शहर वासियों को पूरे पंजाब ते पूरे देश वासियों को सरदार भगत सिंह के जन्मदिन की लख लख बधाई देना और साडे क्लब वालों ये जरा कैंप लगाया जा रहा ब्लड खूनदान कैंप ये बहुत खूनदान कैंप लगते हैं लेकिन इस तरह का कैंप पहली बार लग रहा। साढ़े कैंप के सिंपल जी गल है जी 50% दान दो 50% अपने वास्ते सुरक्षित करो ताकि लोड़ पैंदे तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट या खून मिल सके। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बेरोजगार अध्यापक अपनी ईटीटी की 5994 नौकरियों की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में ईटीटी की 5,994 नौकरियां देने का इश्तिहार जारी किया गया था, लेकिन वह पिछले 9 महीनों से भर्ती की मांग कर रहे हैं पर भर्ती का पोर्टल खोला नहीं जा रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। वहीं अध्यापकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अज 5,994 का पोर्टल ओपन कराने के लिए माणयोग मुख्यमंत्री साहब की कोठी आए थे। इत्थे धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज वगैरह होया हल्का फुल्का, और जिदे काफ़ी सारे साथियों जड़िया सट्टा ने वो जड़िया वो लगियां ने, बहुत सारे साथियों जड़िया सट्टा ने वो लगियां ने। और साड़ी मांग यही है कि 5,994 का पोर्टल ओपन किया जाए, सिंगल रजिस्ट्रेशन की जाए ता कि कोई कानूनी उड़ुके दे विच भर्ती है जी वो ना फसे और जिहड़ा ओवरएज का मसला हल किया जाए। प्रशासन वालों हुण गलबात चल रही है, वो कह रहे हैं कि मीटिंग लवो, एक बार असी उस मीटिंग नूं तां जिहड़ा मना कर दिता तां हुण वो गलबात चल रही है, जिहड़ी अगली गलबात होगी तां वो देखदे हां। श्री सत्य नारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज़ 1 में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ आरम्भ किए गए, जिसमें मंदिर की स्त्री संकीर्तन मंडली द्वारा दूसरे दिन श्री दुर्गा स्तुति के पाठ किए गए। इस दौरान पंडित बनवारी प्रसाद शास्त्री, सुरेश शास्त्री, लती जोशी, राधेश्याम मिश्रा, दीपक जोशी ने शारदीय नवरात्रों के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए दूसरे नवरात्रि में आए हुए भक्तों को माता के स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाकर भाव विभोर किया। इस मौके पर कांता अरोड़ा, मंजू शर्मा, किरण मिन्हास, सनेश शर्मा, अनुराधा, मीना रानी, पूनम, अंजना भार्गव, मधु राजरानी, सुदेश राणा, राधा श्यामा, पूजा विमल, किरण सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन स्टेट फेस 1 पंजाब एवेन्यू में श्री शरदीय नवरात्र महापर्व के अंतर्गत आज द्वितीय नवरात्र को श्री दुर्गा स्तुति का पाठ जो हमारी बहनें प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक सब एक साथ मिलकर के बड़ी ही सुंदर स्तुति माँ की करते हैं। और प्रथम नवरात्र से कलश स्थापना के बाद ये कार्यक्रम इनका प्रारंभ हो जाता है और नवमी तक 9 दिन तक ये प्रतिदिन कंटिन्यू चलता रहेगा और सभी प्रेम पूर्वक जो है दुर्गा स्तुति का पाठ एक साथ मिलकर के करती हैं और उसके बाद जो है ये सुंदर माता की भेंटें और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी प्रतिदिन जो है दुर्गा स्तुति के पाठ में भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में दूसरे दिन माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें संजीव सावरिया एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान आए हुए भक्तों से धर्म ज्ञान संबंधी सवाल भी पूछे गए, जिनका जवाब देने पर भक्तों को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल व अन्य सदस्यों ने भजन गायक संजीव सावरिया को विशेष रूप से मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया और उपस्थित भक्तों का आभार भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दूसरी ब्रह्मचारी मन भावे, दूसरी ब्रह्म
घटा शुभ नाम, रंगी घटा शुभ नाम, चोटी पुष्पा दा सुख नाम, चोटी पुष्पा दा सुख नाम, चौथी पुष्पा दा सुख नाम, पांचवी माता सकंद माता, पांचवी माता सकंद माता, पांचवी माता सकंद माता, छठी माता बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जालंधर कैंट में जय गणपति सेवा सोसाइटी के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू व उनकी टीम ने शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्मदिवस बड़ी श्रद्धा सम्मान और उत्साह के साथ केक काटकर मनाया। इस दौरान सभी ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू, राजकुमार राजू, गुरशरण सिंह टक्कर, भरत बत्रा जौली अटवाल, सुलेमान डिंपल हंस और श्याम लाल गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन जालंधर कैंट के बड़े श्रद्धा में मनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हों की कुर्बानी सदका असी आज़ादी का जड़ा निघा माण रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुर्बानिया के सदका ही हिंदुस्तान आज़ादी मिली। मैं सारे ही यूथ नू सारिया नू इना तो सिख्या लैण नू आखदा, और जो कि अज साडे शहीद भगत सिंह का जिहड़ा कि असी शुभ दिहाड़ा जन्मदिन मना रहे हैं, असी देशों विदेशों रहण वालों नू अज दे दिन दे उपर जो कि इन्हां ने कुरबानी की है, असी इन्हां दा इस करके अज इत्थे जन्मदिन मना रहे हैं कि इन्हां ने बहुत देश नू अगे लैके गए हैगे, और लैके इन्हां दी जो लोग इन्हां दे पुन्नां ते चल रहे आ उह जाणगे। उहदे विच अज असी चेचे तौर दे उपर कैंट के अंदर इन्हों का जन्मदिन मनाया, वो साढ़े भरत अटवाल बत्रा जी, राजकुमार राजू जी, जोली जी, गुरशरण सिंह टक्कर जी, और साढ़े इतने ईदगाह के जो कि सुलेमान जी है उन्होंने भी आके इन्हों का जो हैप्पी बर्थडे किया। अज सरदार भगत सिंह के जन्म दिहाड़े से सारे लख लख बधाई देना, 115वां जन्मदिन, और इन्होंने सारे अपील करना इन्होंने पूर्णिया के चलन जिस दे मेरे नाल पप्पू जी, भरत जी, टक्कर साहब, जौली जी, मेरे वालों मेरे परिवार वालों सारे लख लख बधाई देना। जिला होशियारपुर में वाल्मीकि भाईचारे की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा होशियारपुर के उधम सिंह पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापिस उधम सिंह पार्क में जाकर समाप्त होगी। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से अपील की है कि वे भगवान वाल्मीकि जी का स्वरूप ना बनाकर लेकर आए, केवल उनकी मूर्ति को ही पालकी साहिब में विराजमान किया जाए। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। 9 अक्टूबर जो कि भगवान वाल्मीकि सृष्टिकर्ता अजर अमर त्रिकालदर्शी जी का पावन प्रगट दिवस आ, उसके संबंध में जी 8 अक्तूबर नू दिन शनिवार नू जी विशाल शोभा यात्रा इस बार संपूर्ण तौर पर वाल्मीकन समाज ने एक फैसला किया भी जिन्ने भी संगठन ज सहयोगी जिन्ने भी साढ़े साथी आ सारा ने एकजुट होकर जरा 8 तरीक नू दिन शनिवार नू शहीद उधम सिंह पार्क तो कट्ठे होकर समाज नू एकता का संदेश देना और अपील करनी है भी इस शोभा यात्रा दे विच जिन्ना भी जिन्हें समाजिक और जथेबंदियां धार्मिक संगठन जिन्हें भी हैगे आ उन्हां नू अपील की जाती है कि जिहड़ा परम पिता परमात्मा दे इस विशाल शोभा यात्रा दे विच हाजिर हो के उन्हां दा जिहड़ा आशीर्वाद प्राप्त करन, और एक अपील होर करदे आ भी जिन्हें भी होर कोई संगठन आ उन्हां नू एक बार साडी इह अपील आ भी साथीओ एक बार साढ़े नाल कट्ठे होकर संपूर्ण वाल्मीकि समाज के नाल कट्ठे होकर 8 तरीक नू विशाल शोभा यात्रा का हिस्सा बनो
बहुत ही मैं समझदा भागा वाला दिल है दिन है जी, क्योंकि अज परम पिता परमात्मा अजर अमृत त्रिकालदर्शी कमलेश्वर विश्वेश्वर अजर अमृत त्रिकालदर्शी करुणा सागर भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जो पावन पवित्र प्रकट दिवस 9 अक्टूबर 2022 नू आ रहा है, उस दे संबंध विच जो शोभा यात्रा 8 अक्टूबर शहीद उधम सिंह पार्क तो जिहड़ी स्टार्ट होनी है जी, तो वह 4 बजे लगभग असी यात्रा जिहड़ी आ आरंभ कर देनी आ शामी 4 बजे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के दमोरिया पुल पर एक बाइक सवार व्यक्ति से लुटेरे 5,64,000 की नकदी लूट हुए फरार। संगरूर पुलिस ने मोबाइल फोन पर अपने आप को विदेश में बैठा रिश्तेदार बताकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। 8 मोबाइल फोन किए बरामद। 21 बैंक अकाउंट का किया पर्दाफाश। लुधियाना पुलिस ने चोरी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को किया काबू। 1 रिवॉल्वर और बलैरो गाड़ी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।